गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन थर्ड वीक थर्ड डे ऑफ मेनोपॉज क्लब। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर पूर्वी पटेल, ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट और एम्पावरिंग दिवस अब आपके लिए लाए हैं। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेनोपॉज एंड वेट गेन। मेनोपॉज में आते ही हमारा सभी शरीर की जो भी रचनाएं है उसमें बहुत ही बदलाव हो जाते हैं, जिसका कारण हार्मोन से, जो हमने पहले वीक के सेशन में देखा था। तो थोड़े बहुत उसकी आपको जानकारी दे देती हूँ। इसमें जैसे कि पेरीमेनोपोज स्टार्ट होता है, इस्ट्रोजन हार्मोन वो धीरे 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 कम होना शुरू करता है, उसके साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो एक रचना है कि इस्ट्रोजन हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को अच्छे से बनाए रखता है और फैट सेल्स को भी कंट्रोल में रखता है। पर जब इस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमारी जो शारीरिक रचना है उस तरह से बनी है कि शरीर को तो इस्ट्रोजन चाहिए भले वो कम हो, तो हमारे ही शरीर में एक कई प्रकार के चर्बी के सेल होते हैं, कोष होते हैं, जो इस्ट्रोजन हार्मोन के जैसा ही एक एंजाइम मिमिकली निकालते हैं। तो बॉड और वो जो चर्बी के सेल होते हैं वो ज्यादातर हमारे कमर के इर्द गिर्द होते हैं। तो आप सबने पाया होगा कि ज्यादातर जो लेडीज अबाउट 38-40 होती है उनकी कमर के इर्द गिर्द ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, क्योंकि फैट सेल्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका पेट बढ़ जाता है। यानी काफी सारे लेडीज मेरे पास आती है, बोलती है बेली फैट निकलता ही नहीं है, पेट की जो चर्बी है वो कितना भी काम करो कितना भी एक्टिव रहो लेकिन वो निकल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चर्बी जमा हो गई। अब थोड़ी बहुत चर्बी जमा होना वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाए, जो अपना ओबेसिटी की डेफिनेशन में आए, तो फिर वो खतरे की बात है, क्योंकि वो ही बढ़ी हुई चर्बी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओएस, जॉइंट पेन जैसे कई प्रकार के रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बात हो गई एस्ट्रोजन हार्मोन की कि किस वजह से 99% ऑफ वुमन अंडर गोइंग थ्रू मेनोपोज दे सफर फ्रॉम वेट गेन, यानी कि 99% लेडीज इसी कारण की वजह से वेट गेन में चली जाती है। दूसरी एक चीज है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है तो शरीर की जो खाने की पचाने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर चर्बी जमा होती है और एनर्जी कम होती है। और इसका कारण ये है कि 40 की उम्र के ये जो 30 की उम्र के बाद है, हर एक लेडीज को पूरे दिन की 200 कैलोरी कम खानी चाहिए, लेकिन ये चीज किसी को मालूम नहीं होती है, जिसकी वजह से हम जितना 30 की उम्र में खाना खाते हैं उतना ही हम 40 की उम्र में खाते हैं, उतना ही 45 की उम्र में खाते हैं, जबकि हमारे बॉडी की जरूरत उससे काफी कम होती है। यही कारण है कि मेटाबॉलिज्म कम होना, कैलोरी इंटेक वैसा ही रखना या फिर ज्यादा कर देना, जिसकी वजह से लेडीज को मोटापे का सामना करना पड़ता है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि लेडीज वर्कआउट करना नहीं चाहती। वो क्या बोलेगी, मेरा तो घर में इस रूम से उस रूम में दौड़ भाग करके ही वर्कआउट हो जाता है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो आज मैं एक माइंड मैप की जरिए आपको ये सारे कॉजेस, कारण, उसके रीजन क्या है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका हेल्थ रिस्क क्या है, और उसका ध्यान रखने के लिए आपको क्या 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 कैसे कैसे अपने जीवन में, खाने पीने में, एक्सरसाइज में कैसे बदलाव ला, जैसे आपके रूटीन में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे आप ये मोटापे से बच सकते हैं। अगर मोटे हुए हैं तो कैसे आप उससे उसका वेट कम कर सकते हैं, अगर नहीं मोटे हैं तो फ्यूचर में मोटे ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं वो हम जान सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप थम्स अप दिखा देना अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो। आशा रखती हूँ सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है वेट मैनेजमेंट इन मेनोपॉज। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं कारणों की कि
इतना वेट गेन होने का कारण क्या है, मैंने पूछ। तो सबसे पहले हम स्टेटिस्टिक्स देखेंगे। स्टेटिस्टिक्स यानी कि मेनोपोज की जो ये वजन बढ़ने की समस्या है, उसकी उसकी स्टेटिस्टिक्स क्या है। पहले तो मेनोपोज वेट गेन कैन अकर इन लेट 40s टू अर्ली 60s, यानी कि 40 से लेके 60 की उम्र में जो भी आपका वेट गेन होता है वो मेनोपोज से रिलेटेड ही हो जाता है 90% केस में। दूसरा, 90% ऑफ वुमन अंडरगोइंग मेनोपोज ट्रांजिशन आर आइदर ओवरवेट और ओबेस। सो कई बार ऐसा होता है कि 35 साल के बाद ही वेट पुटन शुरू होता है बिफोर मेनोपोज। तो मेनोपोज आते आते 90% यानी 90% महिलाएं वेट गेन का शिकार हो चुकी होती है, यानी वो ऑलरेडी ओबेस हो जाती है। एंड जब मेनोपोज में आते हैं और तभी वो ध्यान नहीं रखते तो आगे जाती है, फिर उनको अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज होती है। सो ऑन एन एवरेज वुमन मे गेन 5 to 15 pounds, दैट मीन्स 2 to 6 kg इन देयर मेनोपोजल एज। तो समझो कि अगर मोटी है औरत, ऑलरेडी उसका 10 से 12 किलो बड़ा है वजन, एंड शी एंटर्स इन द मेनोपोज, तो एक चांसेस है कि 2 से 6 किलो वजन उसका वैसे भी मेनोपोज में बढ़ सकता है। अब एक आई ओपनर फैक्ट बताती हूँ। 401 मिलियन पेरीमेनोपोजल एज वुमन इन अवर कंट्री विल बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ मेनोपोजल ओबेसिटी बाय 2026, यानी कि 401 मिलियन हमारी कंट्री में जितनी महिलाएं हैं उसमें से 401 मिलियन महिला है जो मेनोपोज ओबेसिटी का शिकार बन सकती है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो टिल 2026। अभी हम 2024 में हैं, ठीक है। तो ये एक सर्वे किया है इंडियन गवर्नमेंट में, जहां पे उन्होंने पाया है कि 401 मिलियन पेरीमेनोपोजल एज वुमन जो अभी तो मेनोपोज में एंटर भी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो लाइफस्टाइल चॉइसेस गलत करती है, रेगुलर उनका खाना पीना नहीं होता है, वर्कआउट नहीं होता है, तो ये एक अंदाज उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने पाया कि ऐसी 401 महिलाएं हैं, 401 मिलियन महिलाएं हैं जो ओबेसिटी की तरफ जा रही है, एंड दे कैन बिकम ओबेस लेडीज बाय ईयर 2026, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कारण क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे मैंने आपको बताया, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, बिकॉज एस्ट्रोजन हेल्प्स टू रेगुलेट अवर बॉडी वेट एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट्स रिडक्शन में लीड टू इंक्रीज एब्डोमिनल फैट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि इस्ट्रोजन नहीं है तो उसको इसको बोलते हैं ना हम कि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, बिकॉज अवर बॉडी इज वेरी मच स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय गॉड। सो इस्ट्रोजन एक ऐसा हॉर्मोन है जो हमारे सिर से लेके पैर तक के सभी अंगों के लिए बहुत जरूरी है, जो हमने पहले ही सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस्ट्रोजन हॉर्मोन, ठीक है। दूसरा कारण है स्लोअर डाउन इन मेटाबॉलिज्म। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेटाबॉलिज्म दी नेचुरली स्लोज डाउन विद द एज। अ स्लोअर मेटाबॉलिज्म मीन्स द बॉडी बर्न्स फ्यूअर कैलोरी मेकिंग इट इजियर टू गेन वेट। जैसे मैंने बताया आपका हमारा जो शरीर है वो कैलोरी कम बर्न करता है और फैट स्टोरेज ज्यादा करने लगता है जब आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। थर्ड कॉज है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर, लिविंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बिंज ईटिंग, ईटिंग आउट यानी ज्यादा टाइम बाहर खाते रहना। अगर घर पे रहते हैं तो नाश्ते, चिवड़ा, चक्री, ये वो बिस्किट, कुछ भी अगर भूख लगा तो फटाक से अनहेल्दी फूड पे खाने को मन होता है। फ्रूट्स कम खाना, वेजिटेबल्स नहीं खाना, एवरीथिंग लीड्स टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग वेट गेन। जैसे आपकी अगर फैमिली में ओबेसिटी रन कर रही है तो दैट मीन्स यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू वेट गेन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो कि आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका वेट गेन ना हो इस उम्र में आपके। सो जब अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली ओवरवेट लेडीज है, ओबेस पेशेंट है, तो फिर आपको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस,
increase insulin resistance, making it harder for the body to regulate blood sugar. And second, this lead to weight gain, particularly around the abdomen. Now, ये insulin resistance क्या है? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक पेनक्रियास करके अवयव है, ऑर्गन है, जहां से वो इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब ये जो इंसुलिन है वो आपका खाने में जो ग्लूकोज रहता है उसको सेल तक पहुंचाने की जवाबदारी लेता है और उसकी एक चाबी है। जब तक वो इंसुलिन की चाबी से सेल का लॉक नहीं खुलता है तब तक वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके सेल में नहीं जाता है। और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ही आपके सेल का खाना है, रेगुलर फूड। पर क्या होता है, जब हम मेनोपोज की इंटरनल आते हैं तब हमारा इंसुलिन हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम खाना खाने के बाद भी बिंज ईटिंग करते रहते। स्लाइड्स स्लाइड्स आर नॉट मूविंग. स्लाइड्स नथी, हां दिस इज ओके वी माइंड मैप, सो इट विल नॉट खाली मूव। स्टैटिस्टिक्स वालों छे ने स्लाइड. आई हैव गोन डाउन ऑल्सो। या એટલે પણ એ માં જ હા છે ને હાઈ મચ, યાદા. ઓકે ઇટ્સ ધેર ઇન ઓકે કોઝિસ ઓનલી, ઠીક હે, યા ઓકે ઓકે ફાઇન। સો વેન એવર વી આર ઇટિંગ ડુઇંગ બિંજ ઇટિંગ, ઓલરેડી ઇસ્ટ્રોજન હોર્મોન કી વજહ સે હમારા મેટાબોલિઝમ સ્લો હો ગયા હે। ખાને કે બાદ ભી હમ લોગ બીચ બીચ મે ખાના ખાતે રહેતે હે, ઇમોશનલ ઇટિંગ હોતા રહેતા હે, તો બોડી ક્યા કરેગા, એક્સ્ટ્રા માત્રા મે ઇન્સ્યુલિન નિકાલેગા, સિક્રેટ કરેગા। અબ સમજો કે ગ્લુકોઝ મોલેક્યુલ ફિટ હો ગયે હે સેલ મે, इंसुलिन चाबी से खोलता है सेल के, लेकिन यहाँ पे कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है नहीं, कहाँ क्या करेगा वो एक्स्ट्रा इंसुलिन का क्या होता है, तो बॉडी क्या करेगा, अब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएंगे यानी जब खाना आएगा तभी एक्स्ट्रा इंसुलिन हम लोग यूज कर लेंगे, तो वो एक्स्ट्रा इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है फैट में। अब वो फैट जो होती है वो आपके बॉडी में अभी जितनी चर्बी है, जो पुरानी चर्बी है जो नहीं जा रही है, ऑल दोस फैट्स आर कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन। वो सारी चीजें हैं जो अब एक्स्ट्रा इंसुलिन था जो फैट में कन्वर्ट हो चुका है। एंड पर्टिकुलरली ये फैट कहाँ जमा होती है, पेट के इर्द गिर्द, थाइस, पेट का हिस्सा, ग्लूट का हिस्सा यानी हिप का हिस्सा, तो वहां पे ये जमा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे एज इंक्रीजेस वुमन बिकम्स लेस एक्टिव ड्यू टू वेरियस रीजन। नाउ उम्र बढ़ने के साथ ही बहुत सारे रीजन है कि लेडीज इनएक्टिव फील करती है। एक तो एक मूड स्विंग्स का भी बहुत बड़ा सा सिम्टम है मेनोपॉज वुमन में, कंटाला आना, आलस आना, जो काम रेगुलर करते थे वो नहीं करने का बार बार मन होना, अगर करते हैं तो ऐसे ना लगता है जैसे कब ये खत्म हो और कब जाके मैं लेट जाऊँ, समथिंग लाइक दैट। सो छह कारण है एक्सरसाइज ना होने के। पहला है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कभी एक्सरसाइज किया नहीं, थोड़ा बात करते हैं और पेन होता है, क्योंकि बोन्स एंड मसल्स दे आर नॉट यूज टू डू एक्सरसाइज, तो क्या होगा आपका मसल्स में, बोन में पेन होता है पहले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आपका बॉडी धीरे धीरे उससे यूज टू होता है। बट बहुत सारी महिला होती है जो इतना भी पेन सहन करने के लिए तैयार नहीं होती है। देन फटीग, थकान महसूस होना जो कॉमन सिम्टम है मेनोपॉजल एज में। फिर बिजी लाइफस्टाइल, कई महिलाएं होती है जो ऑफिस में काम करती है, प्रोफेशनल होती है, घर का भी संभालती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये काम करूं ये काम करूं, अभी उसमें से मैं वर्कआउट का टाइम कहाँ से निकालूं, एंड दे फील डिनाइड, तो वो बोलते नहीं अभी नहीं टाइम है, नहीं करना है मुझे। फिर मूड स्विंग्स, जैसे मैंने बताया मेनोपॉज में मूड स्विंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ करने का मन होता है कभी नहीं मन होता है और परेशान हो जाता है। फिर होता है वेट गेन, सो वेट गेन इटसेल्फ इज आल्सो एन हर्डल फॉर रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, तो जो आपका वेट गेन है वो भी एक कारण है कि आपको मन नहीं होता एक्सरसाइज करने का, है ना, क्योंकि ट्रेडमिल पे चलना है यार, वहां पे वर्कआउट करने में तकलीफ होना, पेट का आगे आ जाना, पैर चलने चलना नहीं, फिर बहुत सारे ऐसे अपर बॉडी के वर्कआउट होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होते हैं, तो बार बार थकान फील होना, तो यू विल ओके अब नहीं करना है, इससे अच्छा है कि मैं वॉक कर लूंगी, बट सिर्फ वॉक करने से कुछ फायदा नहीं होता है। हार्मोनल चेंजेस, अब जब इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो रहे हैं तो उसके साथ काफी सारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। तो ये सारे छह रीजन है कि इस उम्र में लेडीज क्यों वर्कआउट करना पसंद नहीं करती है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। दूसरा कारण है वेट गेन का स्ट्रेस, जैसे मैंने पहले ही सेशन में बताया था, मेनोपॉज इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद इंक्रीज स्ट्रेस ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, एंड स्ट्रेस कैन ट्रिगर इमोशनल ईटिंग, शुगर क्रेविंग एंड वेट गेन।
सो स्ट्रेस आता है, उसके से कॉर्टिजोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इस्ट्रोजन कम हुआ, कॉर्टिजोल बढ़ा, तो इमोशनल स्ट्रेस यानी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गुस्सा कर दिया, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस डब्बा खोल के बैठ गए टीवी के सामने एंड जस्ट वी आर ईटिंग अननोइंगली, माइंडलेसली ईटिंग। तो ये सारी चीजों की वजह से हम एक्स्ट्रा कैलोरी जो हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है वो डालते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वेट गेन होता है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू वेट गेन, वेट गेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, दोनों चीज वाइस वर्सा है, दोनों चीज एक दूसरे को अफेक्ट करती है। ठीक है, देन पुअर स्लीप, मेनोपॉजल वुमन एज में एक्सपीरियंस स्लीप डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू हार्ट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स। पुअर स्लीप कैन डिस्टर्ब बॉडीज हंगर एंड सटाइटी सिग्नल्स लीडिंग टू वेट गेन। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, हमारा नाइट स्वेट्स हो जाना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों की वजह से मेनोपॉजल एज वुमन की नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है। ओवर थिंकिंग, रात को इतना पसीना आना कि उठ के कपड़े चेंज करो एंड देन फिर सो, फिर वापस नींद आने में परेशानी होना, ऑलरेडी स्लीप डिस्टर्बेंस होता ही है मेनोपॉज में। एंड पुअर हाइजीन, पुअर स्लीप हाइजीन, कभी रात को 1 बजे सोए, कभी 11 बजे सोए, कभी 2 बजे सोए, कभी 3 बजे सोए, कभी पूरी रात जागे। तो एवरीथिंग शुड बी लाइक ना प्रॉपर वे होना चाहिए कि रात को अगर 11 का टाइम है तो आपको 11 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 6 का टाइम है तो, इसको बोलते हैं प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। इफ इट इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन। देन मेडिकेशन, सो सर्टेन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग मेनोपोज लाइक सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट और स्टीरोइड्स और आर्टिफिशियल हार्मोन्स कैन कॉज वेट गेन एज अ साइड इफेक्ट। यानी कि मेनोपोज के जो सिम्टम है उसको कम करने के लिए जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, खास करके एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो भी एक रीजन है आपका मेनोपोज वेट गेन होने का। स्टीरोइड्स, सबको मालूम है स्टीरोइड खाने से पेट पूरा बॉडी फूल जाता है, बट इन सम केसेस डॉक्टर हैव टू गिव द स्टीरॉयड मेडिसिन, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। सो ऑल दीज आर कॉजेस, ये हो गए आपके कॉजेस कि मेनोपोज में वेट गेन क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ रिस्क क्या है, मेनोपोज वेट गेन होने के बाद आपका हेल्थ रिस्क क्या क्या है, तभी तो जाके आप अपना ध्यान रखना शुरू करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट हेल्थ रिस्क है आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट और ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होना, यानी इंक्रीज वेट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर महिलाओं का हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन स्टार्ट होता है 40 या 45 के बाद। इसका कारण है कि इस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से आपका हार्ट हेल्थ वैसे भी कम होता है, ऊपर से फिर आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम करता है, वर्कआउट नहीं करते हैं, स्ट्रेस रहता है, ऑल दिस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कार्डियोवास्कुलर डिटीरियोरेटिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। बोन हेल्थ, बोन जो है, बोन हेल्थ का जो हेल्थ रिस्क है दैट लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। इसके वजह से आपके बोन वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी लेडी फिसलती है उसको बड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है, एंड फिर वो सोचते हैं अरे मैं तो इतना ही, मेरा पैर मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया मुझे, बिकॉज उसके बोन पहले से ही वीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ दी ओवरवेट एंड लेक ऑफ एस्ट्रोजन। देन थर्ड हेल्थ रिस्क होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बॉडी इमेज इश्यू एंड डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज स्ट्रेस एंड मूड डिसऑर्डर्स लीडिंग टू डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली लेडीज को हमेशा ऐसा पसंद होता है कि मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ कि दिखती हूँ, ये कपड़ा पहले आता था ये कपड़ा नहीं आ रहा है, साइज चेंज होना दैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर द लेडीज टू एक्सेप्ट। मोटापा इसलिए ज्यादातर लेडीज को पसंद नहीं है क्योंकि उनके कपड़े ठीक से नहीं आते, फिटिंग अच्छा नहीं बैठते और टाइट होते कपड़े, और बड़े कपड़े पहनने से उनका मोटापा दिखता है। देन इंक्रीज स्ट्रेस एंड मूड डिसऑर्डर्स लीडिंग टू डिप्रेशन, रेगुलर रिकरेंट स्ट्रेस एंड मूड डिसऑर्डर्स दे लीड्स टू डिप्रेशन, दिस डिप्रेशन लीड्स टू एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन लीड्स टू द वेट गेन। सो कैसा होगा, एक साइकिल हो गया, वेट गेन इज इक्वल टू डिप्रेशन, डिप्रेशन इज इक्वल टू एंटी डिप्रेशन एंड अगेन वेट गेन, ये साइकिल चलता ही रहता है।
Then type 2 diabetes. So there is an increased risk of type 2 diabetes during and after menopause if you don't take care of your health. Type 2 डायबिटीज होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक तो पहला जब मैंने आपको पहले बोला वो, और दूसरा क्योंकि आपके पेट के इर्द गिर्द फैट सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, आपका पैंक्रियास प्रॉपरली काम नहीं करता है, वो भी एक कारण है आपको डायबिटीज हो जाता है. देन ब्रेस्ट कैंसर, तो सम स्टडीज शो लिंक बिटवीन वेट गेन ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो ये हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि कार्डियोवास्कुलर से लेके ब्रेस्ट कैंसर आपको कैसे कैसे तकलीफ हो सकती है बिकॉज ऑफ दी वेट गेन. अभी थर्ड पॉइंट देखेंगे, हैबिट फॉर वेट लॉस. तो ये तो सारे कारण हो गए कि ये रिस्क हो गए, ये कारण हो गए, लेकिन अभी इनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इन कारणों से कैसे बच सकते हैं, इन हेल्थ रिस्क से कैसे बच सकते हैं. तो पहला तो पॉइंट हैगा आपका रेगुलर वॉकिंग. सो रेगुलर वॉकिंग कि क्या फायदे हैं वो बताती हूँ मैं. वॉकिंग इज द मैंस बेस्ट मेडिसिन, ये कहा है हिपोक्रेट ने. जिन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ढूंढा उन्होंने बोला है कि वॉकिंग इज द बेस्ट मैंस बेस्ट मेडिसिन. यू कैन लूज वेट वाइल वॉकिंग एंड ऑल्सो सेव फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू सिटिंग. नो स्किल रिक्वायर्ड. वॉकिंग के फायदे क्या है? कुछ एक्सरसाइज सीखना पड़ेगा आपको, उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा वॉक करने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? देन इट्स फ्री, राइट? आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हो, कुछ नहीं तो आप घर पे लगा दो चक्कर, 50-100 चक्कर, कहीं आपको पे करना पड़ा, कोई फीस देनी पड़ी, एसी का खर्चा हुआ नहीं, राइट? वही पंखा और ट्यूबलाइट आप बैठ के कर सकते हैं, आप चल के कर सकते हो, ठीक है? नो एज बैरियर. 8 साल, 6 साल से लेके 90 साल तक वॉक कोई भी कर सकता है, देर इज नो एज बेरियर, राइट? देन हाउ यू कैन गिव, नाउ आई गिव यू द एक्शन प्लान. अब आप वॉकिंग को अपने रूटीन में कैसे लाएंगे, चलो ये भी बता देती हूँ. योर रूटीन टारगेट शुड बी 10,000 steps per day. सी 5 to 7,000 तो एक एवरेज पर्सन डेली का चल ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो योर अभी अगर आपके पास घड़ी नहीं, तो अभी तो मोबाइल में भी एप्स आ गई है कई सारी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. काउंटिंग स्टेप्स ऐप रहती है, आप गूगल में जाएंगे आपको बहुत सारी ऐप मिलेगी, कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड या आईओएस में, या फिर घड़ी खरीद लीजिए, वो भी कुछ 800 रुपए से लेके 1,800 से लेके 50,000 तक की घड़ी आती है, वॉट एवर यू लाइक. आप वो घड़ी भी खरीद सकते हो जो आपका स्टेप्स नोट करे, ये पहन सकते हो, लाइक सी हाउ आई वोर दिस वॉच. देन मेक स्मॉल चेंजेस. अब आपको स्मॉल चेंजेस करना, मैं नहीं बोलती कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कल से ही चलना शुरू कर दो, नो नेवर. पहले आपकी बॉडी को यूज टू करना है वॉक से. कैसे कर सकते हैं? टेक स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट वेन एवर यू कैन. अगर आप 10 माले पे रहते हो, ट्राई टू गो फॉर 2 माले तक आप स्टेयर से चलो, फिर 2 माले से लिफ्ट ले सकते हो, ठीक है? 3 माले से लिफ्ट ले सकते हो, सेम यू कैन डू इन योर ऑफिस. देन वॉक थ्रू योर ग्रोसरी स्टोर इफ इट इज इन माइल डिस्टेंस फ्रॉम योर होम. अगर 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर आपका ग्रोसरी स्टोर है, तो आप वहां पे भी चल के जा सकते हो. वेन एवर यू वॉच टीवी, मेक इट पॉइंट टू गेट अप एंड वॉक अराउंड द हाउस वेन अ कमर्शियल कम. टीवी में तो हर 5 मिनट में कमर्शियल आते हैं, एक 30 मिनट का जो गैप रहता है, अभी तो 30 मिनट्स का भी एपिसोड नहीं होता है, एपिसोड हार्डली कम्स फॉर 25 मिनट्स. 25 मिनट्स में आपका समझो 10 to 12 मिनट्स कमर्शियल रहता है. तो आप हर एडवर्टाइज की हर जो कमर्शियल रहता है उसमें आप वॉक कर सकते हैं. स्टैंड एंड वॉक व्हेन टॉकिंग ऑन द फोन ऑलवेज. जब भी आपके किसी का फोन आए, गप्पे लड़ाने का मन हो, तो हमेशा खड़े रह के या चल के कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चल के या वॉक करते करते करना है आपको, ठीक है? ये हो गए स्मॉल चेंजेस, आप कर सकते हैं. राइट इन चैट बॉक्स यस और नो, कैन यू डू दिस? जो लोग भी है यहाँ पे, जो भी 3 जने हैं, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कैन यू डू दिस स्मॉल चेंजेस एंड स्टार्ट अ रूटीन वॉक 10,000 steps a day. अगर ऐसा करेंगे तो 10,000 steps हो जाएंगे, या फिर 4-5 किलोमीटर चल के चलने जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर फॉलोइंग वॉट आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज
कुछ इसका वो कुछ यही नहीं है कि मैं आपको बताती जाऊं और आप कुछ रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है? ठीक है. सेकंड इज ब्रीथ करेक्टली. नाउ व्हाट मैंडी हेल टोल्ड, यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ब्रेथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपेंस. यानी आपको कुछ प्लानिंग की जरूरत नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि हमको जो हम ना कभी कभी पकड़ के रखते हैं कोई चीजें, कोई सारी चीजें पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि छोड़ देना ही हमारी हमारे लिए अच्छा होता है. जस्ट ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट गो, दैट्स इट. दिस इज द मैजिकल वे टू गेट रिड फ्रॉम एनी ऑफ दी स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन योर लाइफ. सो मेजोरिटी ऑफ अस डू शैलो ब्रीदिंग, विच मे लीड टू स्ट्रेस इवन दो वी आर नॉट अंडर स्ट्रेस. मोस्ट ऑफ पीपल यूज ओनली 1/5 ऑफ देयर लंग्स टू ब्रेथ. छोटे बच्चे को देखते हैं कैसे वो सांस लेता है, उसका पूरा ना पेट ऐसा उछलता है. हम लोग भी ऐसे ही सांस लेते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये भूल ही गए. वो उसको बोलते हैं डायाफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग. हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो यू नीड टू प्रैक्टिस रिलैक्स्ड डायाफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग. आपको डायाफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है. कैसे कर सकते हैं? एवरी टाइम, एवरी 1 आवर के, एक एक घंटे के बाद पूरा आप अंदर सांस लीजिए एंड फिर छोड़िए. सांस लीजिए और छोड़िए, इसको बोलते हैं डायाफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग, ठीक है? और एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका इसके लिए? फर्स्ट थिंग, बी माइंडफुल, बी माइंडफुल ऑफ योर ब्रेथ. आप जब भी ब्रेथ लेते हो, आप समझो कि मैंने ब्रेथ लिया. यू नीड टू बी माइंडफुल. टेक एटलीस्ट 10 to 12 ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ डे. यू कैन पुट एन अलार्म टू गिव यू रिमाइंडर टू टेक अ डीप ब्रेथ. सो आप एक एक घंटे के बाद का अलार्म रख सकते हो. अलार्म बजा, टेक 10 to 12 डीप ब्रेथ, फिर वापस कंटिन्यू अपने काम पे लग जाओ. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट रिड फ्रॉम अनवॉन्टेड थॉट्स. आपके अंदर जो अनवॉन्टेड थॉट्स चलते रहे, माइंडलेसली आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन आपका माइंड कहीं और चल रहा है, तो ये ब्रीदिंग करने से ना आपके शरीर को भी फायदा होगा बट आपका माइंड को भी फायदा होगा. एंड यू विल बिकम माइंडफुल, आप उस मोमेंट में वापस आ जाओ, ठीक है? सो दिस इज अ एक्शन स्टेप. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईट माइंडफुली. थर्ड पॉइंट, हेल्दी हैबिट का थर्ड पॉइंट, ईट माइंडफुली. वी ओवर ईट नॉट बिकॉज वी एंजॉय फूड टू मच, इट इज बिकॉज वी डोंट एंजॉय इट इनफ. चार्ल्स आइंस्टाइन ही टोल्ड दिस सेंटेंस. वापस से पढ़ती हूँ, जरा समझ के सुनिए. We overeat not because we enjoy food too much, it is because we don't enjoy it enough. यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा खाना इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हमको बहुत खुशी मिलती है खाने से, राइट? बट हम लोग खाने को एंजॉय ही नहीं करते हैं, इसलिए हम ज्यादा खाना खा लेते हैं. यानी जैसे फटाफट फटाफट खाना खाते हैं, यहाँ पे दौड़ना है, यहाँ पे ये काम करें, हर काम को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, हर काम को टाइम देते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है हम टाइम नहीं देते हैं. हमको जस्ट फटाफट खाना खत्म करके भागना होता है, और ये फटाफट फटाफट में कभी हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है. दैट इज वाई चार्ल्स आइंस्टाइन टोल्ड कि हम लोग एंजॉय करके खाना नहीं करते हैं, इसलिए हम ओवर ईट कर देते हैं, ठीक है? सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू वॉट वी आर ईटिंग एंड एब्सोल्युटली चेरिश इट. माइंडफुल ईटिंग हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टू द बॉडी. ईटिंग क्विकली एंड मल्टी टास्किंग वाइल ईटिंग, लाइक वॉचिंग टीवी, रीडिंग न्यूज पेपर, टॉकिंग ऑन फोन, चेकिंग ई मेल, स्क्रोलिंग डाउन सोशल मीडिया, लीड्स टू ओवर ईटिंग बिकॉज इट टेक 15 मिनट्स फॉर ब्रेन टू सिग्नल दैट वी आर फुल. सो ये बहुत ही जरूरी है कि हम माइंडफुल ईटिंग करें. माइंडफुल ईटिंग का मतलब
जैसे ही आपके सामने प्लेट आया, पहले तो वो प्लेट को देखिए, आभारी होइए, क्योंकि आप इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना खाना पूरे दिन में एक बार भी नसीब नहीं होता है। यू आर दैट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस होल अर्थ कि आपके सामने खाने से सजी हुई प्लेट, रेडीमेड प्लेट आपके सामने डाइनिंग टेबल पे रखी जाती है। सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर मदर और पर्सन हु प्रिपेयर द फूड लविंगली एंड केयरिंगली फॉर यू, एंड देन फिर देखो खाने को, एक एक खाने को थैंक यू बोलो, थैंक यू टू गॉड कि थैंक यू फॉर गिविंग मी फूड, क्योंकि आपको मालूम है अगर खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है। फिर उसके बाद उस फूड के टेक्सचर को फील कीजिए, देखिए, महसूस कीजिए, रोटी को टच करके देखिए, सब्जी देखिए, इन सबको देखिए, स्मेल लीजिए, खुशबू लीजिए। आपको पता है खाने की खुशबू से भी हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूस आना शुरू हो जाता है, बिकॉज 85% ऑफ डाइजेशन हैपेंस इन आवर माउथ। तो जितने ज्यादा जूस आएंगे उतना अच्छा डाइजेशन आपके बॉडी में, आपके मुंह के अंदर हो जाएगा। जितना अच्छा डाइजेशन मुंह में होगा उतना अच्छा पेट में होगा, जितना अच्छा पेट में होगा उतना अच्छा विटामिन्स मिनरल्स आप जिस चीज के लिए खाना खा रहे हो वो अच्छे से आपके ब्लड में मिल जाएगा। सो नाउ कैन यू इमेजिन एक माइंडफुल ईटिंग खाने से हम क्या क्या हमारे बॉडी को दे सकते हैं। जिस चीज के लिए हम खाना खाते हैं वो पूरी सारी चीजें हम अपने बॉडी को दे सकते हैं इफ वी ईट माइंडफुली। ठीक है, बचपन में बोला गया था 32 बार चबा के खाना खाना है, उसका कारण यही था, माइंडफुल होके खाना खाओ, ताकि छोटे छोटे छोटी छोटी मात्रा में खाने के जो छोटे 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 जो एकदम टुकड़े करते हैं उतना अच्छा पाचक रस उसमें मिंगल हो जाता है और उतना ही अच्छा खाना पच जाता है। ठीक है, देन जब हम इतना अच्छे से खाना खाते हैं तो क्या होता है, पेट के अंदर खाना जाता है जो 85% डाइजेस्ट हो चुका है, तो पेट का काम कितना रहेगा, सिर्फ 15%। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड दैट माइंडफुल ईटिंग हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प टू सीक्रेट गुड डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक ऑल्सो। फिर एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन होगा ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज जब खाना खाते हो तो खाना ही खाओ। जैसे अगर आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो क्या आप कंप्यूटर के काम करते करते टीवी देखते हो, फोन पे बात करते रहते हो, इंपॉर्टेंट टास्क की बात करो जहां पे आपका फुल फोकस और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नहीं करोगे आप, तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंट टू योर फूड, उसको एक सेवा एक पूजा की तरह क्यों नहीं खाते हो। ठीक है, सो रिमेम्बर टू ईट माइंडफुली। एंड फोर्थ, बॉडी को जो सिग्नल है लेट मिलता है जब माइंडलेस ईटिंग करते हैं, यानी हमारे बॉडी में एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है ये बोलने के लिए कि बस अब सिग्नल दे दो कि पेट भर गया, पेट को सिग्नल दो अभी पेट भर गया अभी नहीं खाना है, और वो हाथों को जाता है सिग्नल। लेकिन जब हमें माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो ये सारा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, और ओवर ईटिंग होने के बाद 15 मिनट के बाद वो सिग्नल पहुंचता है। एंड दैट इज व्हाई लोग बोलते हैं कि बाप रे इतना कब खाना खा लिया, समझ में नहीं आया, बहुत खाना खा लिया, पेट बहुत हैवी लग रहा है, एसिडिटी हो रहा है, खाने के बाद हाजमा हजम खाना पड़ेगा, खाना पचेगा नहीं, ला ला ला, राइट। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नाउ एक्शन प्लान, क्या कर सकते हैं माइंडफुल ईटिंग के लिए। पहला चीज, स्टॉप मल्टीटास्किंग वाली ईटिंग। खाना खाने के टाइम पे खाना खाना है, कुछ नहीं करना है, बातें भी नहीं करना है। फर्स्ट, एंजॉय स्मेल एंड साइट ऑफ फूड, टेक द फर्स्ट बाइट एंड क्लोज योर आईज एंड रियली चेरिश द फ्लेवर्स एंड टेस्ट, च्यू प्रॉपरली एंड रियलाइज हाउ वी हैव टेंडेंसी टू स्वेलो क्विकली एंड ईट नेक्स्ट बाइट, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग, जो मैंने आपको अभी समझाया है, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्शन प्लान। देन ऑप्टिमाइज योर स्लीप, फोर्थ पॉइंट है आपका हैबिट फॉर वेट लॉस इज ऑप्टिमाइज योर स्लीप। जैसे मैंने बोला कि पुअर स्लीप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन, तो स्लीपिंग इज द बेस्ट मेडिसिन टोल्ड बाय दलाई लामा। जितना आप अच्छे से क्वालिटी से स्लीप लोगे उतना आपकी बॉडी को ज्यादा रेस्ट मिलेगा, उतना दूसरे दिन अच्छे से काम कर पाएगी। सो गेटिंग टू लिटिल स्लीप ट्रिगर्स हॉर्मोनल चेंजेस दैट लीड टू एन इंक्रीज अपेटाइट एंड क्रेविंग फॉर फूड्स हाई इन शुगर एंड फैट,
lack of sleep disrupts the normal functioning of hormones, leading to having less energy whole day. Deep sleep triggers hormones like HGH, human gonadotropin hormone, which helps you to burn fat and build and repair muscle. Lack of sleep not only increases weight but also causes heart disease, diabetes, and stroke. कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी नींद लेना, राइट? बिकॉज जब जब आप कम नींद लेते हो, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हार्मोन्स की वजह से आपकी दूसरा हार्मोन है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो चर्बी को जलाता है और मसल्स को रिपेयर करता है, वो भी कम हो जाता है बॉडी में. तो दैट इज वाई हाउ द पुअर स्लीप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन. अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? देन एक्शन प्लान क्या करेंगे इसका? भाई पुअर स्लीप तो हो गया, अब उसका एक्शन प्लान क्या करेंगे? सो द एक्शन प्लान इज नेवर एवर गो टू ग्रोसरी स्टोर हंग्री. आपको पता है सुपरमार्केट में हम लोग लिस्ट लेके जाते हैं, ज्यादातर लेडीज लिस्ट के अंदर जो नहीं लिखा होगा ना वो भी ले लेंगे, और ज्यादातर वो क्या चीज होगी, फ्रूट्स, नहीं सॉरी, बिस्किट्स, देन योर कोला, कैडबरीज, ऐसी चीजें जो शुगरी होती है और हाई इन फैट होती है. एक पे एक फ्री नाश्ता खरीद लो, एक पे एक आइसक्रीम फ्री खरीद लो, एक पे एक कोल्ड ड्रिंक फ्री खरीद लो. ऑल दीज आर नॉन हेल्दी फूड. सो यू आर बाउंड टू पिक अप शुगरी एंड अनहेल्दी फूड इफ यू गो हंग्री टू द ग्रोसरी स्टोर. ये कुछ नया सुना है ना, बट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. और अगर ऐसा नहीं तो खुद जाके चेक कर लो, भूखे पेट जाओ ग्रोसरी स्टोर, बड़े से सुपरमार्केट में, देन सी हाउ वी आर पिकिंग अप द फूड आइटम्स विच इज नॉट देयर इन योर लिस्ट. देन मेक द लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स एंड स्टिक विद द लिस्ट, राइट? दिस इज एन एक्शन प्लान. प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग. आई फास्ट फॉर ग्रेटर एंड फिजिकल मेंटल एफिशिएंसी टोल्ड बाय प्लेटो. इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अमेजिंग हैबिट वन कैन अडॉप्ट फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस. नाउ आई टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग. वेट मैनेजमेंट, लोअर डायबिटीज रिस्क, सेल्यूलर रिपेयर, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, इजी एंड फ्लेक्सीबल, इंक्रीज मेटाबोलिज्म, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, रिड्यूस क्रेविंग्स, इंक्रीज एनर्जी, इम्प्रूव स्लीप, डाइजेस्टिव रेस्ट एंड इंक्रीज ग्रोथ हॉर्मोन. इतने सारे फायदे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के. एंड आई विल टेक नेक्स्ट वन अ स्पेशल सेशन ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द होल साइंस ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग. बिकॉज कई सारे लोगों को पूरा साइंस मालूम नहीं होता है, दे जस्ट स्टार्ट टू डू दिस इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड देन दे सफर फ्रॉम वेट गेन रादर देन टू वेट लॉस. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी टेल यू सम बैड, अगली एंड गुड बेवरेजेस, समथिंग अबाउट विच यू कैन इंक्लूड इन योर हेल्दी हैबिट्स. सो वॉट आर द बैड बेवरेजेस? ऑल योर फ्रूट जूसेस, रियल फ्रूट जूसेस, और जो भी पैक्ड आते हैं ना टेट्रा पैक में, वो सारे फ्रूट जूसेस दे आर बैड बेवरेजेस. ऑल योर एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल एंड वॉट मार्केट में जो भी अवेलेबल है, ऑल आर हैविंग एक्स्ट्रा शुगर इन देयर. वाइन, बियर, ऑल आर बैड बेवरेजेस. वॉट आर अगली बेवरेजेस? ऑल योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, योर थम्स अप, कोको कोला, लिमका, फेंटा, वॉट एवर. ऑल द बेवरेजेस विच हैविंग कार्बोन, ऑल द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, दे आर अगली बेवरेजेस. देन कॉकटेल्स, होटल के मेन्यू में लिखे होते हैं कॉकटेल, मॉकटेल, स्पोर्ट्स ड्रिंक, देन योर मिल्क शेक्स, जो आप फ्रूट्स और मिल्क को मिलकर मिला के जो बनाते हो घर पे, वो मिल्क शेक्स. देन वॉट आर गुड बेवरेजेस? सो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम बैड एंड अगली बेवरेजेस एंड इंक्लूड गुड बेवरेजेस इन योर डेली रूटीन. वाटर, ऑब्वियसली वाटर इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट बेवरेज वी हैव इन अवर लाइफ. कोकोनट वाटर, ग्रीन टीज, जूस्ड वेजिटेबल. जूस वेजिटेबल्स यानी कच्चे वेजिटेबल का जूस, जैसे टमाटर, ककड़ी और दूधी को मिक्स करके उसको चन कर दिया, एंड विदाउट उसको ना छाने बगैर आपको पीना है, और उसमें कुछ नहीं मिलाना है, नो नमक, नथिंग.
You can drink, add lemon juice if you want, otherwise nothing, not even a salt. Then lemon water and detox water. These are the good beverages which you can include in your daily routine. What are the action plan now? Think mindfully before you choose what to drink. Ugly, bad, ke good. Dekho, aapne jo beverage, buttermilk is also good. That I have not written here, but buttermilk also good beverages. So just ask yourself, is it good? Is it ugly? Or is it bad? What my body needs. So while going out for lunch or dinner, movie, we are subconsciously trained to choose bad and ugly over good. So start small and build the healthy habit over the time. ठीक है? Then, do this first thing when you wake up. Put first things first and second things are thrown in. Put second things first and you lose both first and second things. C.S. Lewis इन्होंने बोला था, आपको जो पहली चीज है उसको पहले ही रखना है और दूसरी चीज है उसको दूसरे ही रखना है. अगर आपने दूसरी चीज को पहले रख दिया तो आप पहला और दूसरा दोनों मिस कर जाओगे. यानी अगर आपने उठने के बाद ये सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद वर्कआउट करती हूँ, 10 बजे करूंगी, नहीं 7 बजे करूंगी, आपने ना वर्कआउट होने ही नहीं वाला है. और ये चीज वहां पे होती है जब आपको एक फिक्स डेली रूटीन होता है, जहां आपको मालूम है मुझे पहले उठ के 10 जंपिंग जक करने हैं, उसके बाद मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखनी है, एंड देन आई एम गुड टू गो. लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा रिवर्स कर लेते हैं. नहीं आज नहीं हुआ, ठीक है कल, कल कल करते रहते, कल आता ही नहीं है. तो ये इसलिए होता है क्योंकि वी डोंट फॉलो रेगुलर लाइफ रूटीन और रेगुलर मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन एंड थ्रू आउट द डे रूटीन, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू डू इन द मॉर्निंग, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट मीन्स मूव योर बॉडी एज सुन एज यू वेक अप. दिस यू हैव टू डू फर्स्ट, बिकॉज हमको उठाने वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन. और जब हम हमारा बॉडी मूव करते हैं सुबह उठ के तुरंत, तो हम कॉर्टिसोल का अच्छा उपयोग करते हैं और पूरा दिन हमारा स्ट्रेस फ्री जाता है. राइट, सो व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर दिस थिंग? डू दिस द फर्स्ट थिंग यू वेक अप. सिंपली कमिट योर सेल्फ फॉर जस्ट 15 सेकेंड्स ऑफ एक्टिविटी, लाइक 1 पुशअप और 1 सूर्य नमस्कार. इतना भी कर लिया ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दिस वन वर्कआउट. 1 पुशअप और 1 सूर्य नमस्कार. मेक श्योर यू डोंट ब्रेक दिस एक्सरसाइजिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग, एज योर विल पावर इज द हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. विल पावर क्यों होता है? क्योंकि बॉडी एकदम आराम करके उठी है, थकान नहीं है, कुछ नहीं है, कॉर्टिजोल लेवल भी हाई है आपको एक्टिव करने के लिए. लेकिन आप वो कॉर्टिजोल लेवल की एक्टिवनेस है उसको बंद कर देते हो एक्सरसाइज नहीं करके. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द मॉर्निंग, डू सम एक्टिविटी एज सुन एज यू, फिजिकल एक्टिविटी एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग. सो लास्टली टेक एक्शन टूडे. द पाथ टू सक्सेस टू टेक मैसिवली डिटर्मिंड एक्शन. टोनी रॉबिन्स उन्होंने ये बोला था कि हमको रोज एक्शन लेनी है तो ही हम सक्सेस पाएंगे. सो पिकअप 2 और 3 हैबिट्स दैट यू फील यू वुड स्टार्ट इम्बाइबिंग फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स. आपको मैंने इतनी सारी हैबिट्स दी, आप उसमें से कोई भी पहले 2 या 3 हैबिट को इम्बाइब कर सकते हैं. राइट ऑन अ पेपर दोस 3 हैबिट्स, प्लेस वेयर यू वुड सी थ्रू आउट द डे. लाइक आप लिख सकते हैं कि मुझे आज ना अगली बैड और गुड ड्रिंक में से सिर्फ गुड ड्रिंक पीना है, तो आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 20 मंडेज. आई विल नॉट हैव दिस अगली और बैड ड्रिंक्स. वेन एवर आई विल गो आउट, आई विल हैव ओनली गुड ड्रिंक. ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो, एज सुन एज आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग आई विल डू 1 सूर्य नमस्कार. सिंपल सिंपल है ना, कुछ इसमें हार्ड तो है नहीं. एक सूर्य नमस्कार करने में कितना टाइम जाएगा? चलो सूर्य नमस्कार नहीं आता है, आप 10 10 बार खुद ही कर लो, यानी स्किपिंग कर लो. स्किपिंग तो हमेशा हम सबने की है बचपन में. वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक प्लांक ही कर लो, एक पुशअप ही मार लो कुछ, या तो फिर 50 स्टेप चल लो, वॉक कर लो. सोचो सिंपल यू नो थिंग इफ यू कैन इंक्लूड इन योर लाइफ, यू विल सी इट्स रिजल्ट्स इन नेक्स्ट 90 डेज. देन
Pursue for 21 consecutive days and beyond. Follow the action tips mentioned with it. तो जैसे मैंने बोला आप एक एक्शन लो लेकिन उसको 21 दिन का फॉलो करते रहो. टेक कैलेंडर एंड पुट टिक ईच डे आफ्टर यू फॉलोड दैट हैबिट्स एंड बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट. इससे भी अच्छा है कि आप वो जो हैबिट आपने पूरा दिन में अगर समझो फॉलो कर पाए आप टिक कर लो. अब हमारा जो माइंड होता है उसको है ना अप्रिसिएशन बहुत पसंद है. तो जब आप उसको करेंगे अप्रिशिएट, ओ वाओ आज मैंने सिर्फ गुड ड्रिंक ही पिया, आज मैंने वर्कआउट किया, टिक करो एंड योर माइंड विल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. बहुत अच्छा लगता है माइंड को. तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने माइंड को बोलोगे इट विल डू नेक्स्ट अ मोर सीरियस वे. तो ये आप कर सकते हो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस में. राइट नाउ फोर्थ इज न्यूट्रिशन टिप्स. तो पहले हमने क्या देखा, कॉजेस देखा, फिर हमने हेल्थ रिस्क देखा, फिर हमने गुड हैबिट्स देखा. फोर्थ इज न्यूट्रिशन टिप्स. फिर भी ये हैबिट के साथ आप दूसरी कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन में भी ध्यान रख सकते हो, खाने पीने में क्या ध्यान रख सकते हो वो बताती हूँ. टू वेज टू रिड्यूस योर क्रेविंग्स एंड हंगर. जैसे मैंने बोला था कि मैं ये इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से आपको क्रेविंग्स आ जाती है. तो पहले क्या कर सकते हैं हम, एड मोर प्रोटीन इन योर डाइट. फील्स यू फील एंड लेस हंगर एंड क्रेविंग्स. जब आप प्रोटीन को डाइट में हम हमारे ऐड करते हो, ज्यादा खाते हो प्रोटीन, तो आपको एक तो बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और खाने की बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और शुगरी खाने की इच्छा भी नहीं होती है. ठीक है, देन ऐड दिस टू न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट. व्हाट आर दोस टू न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट इज फाइबर, सेकेंड इज प्रोबायोटिक फूड. अ वुमन नीड्स 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर. राइट, वॉट हाउ शी कैन हैव द 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर? इट विल हेल्प इन स्लोइंग डाउन द डाइजेशन, फीलिंग यू फुल फॉर लॉन्गर एंड रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन. फाइबर क्या हेल्प करेगा, एक तो जो खाना खाया है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा तो भूख कम लगेगा, लॉन्ग इंटरवल पे भूख लगेगा, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ फाइबर रिच फूड. सी अवाकाडोस, 1 मीडियम अवाकाडो 11 ग्राम फाइबर. पीस 1 कप 9 ग्राम ऑफ फाइबर. लेंटिल्स हाफ कप 8 ग्राम ऑफ फाइबर. बीन्स हाफ कप 7.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर. ब्लैक बीन्स 1 कप 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर. एप्पल 1 मीडियम 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर. ब्रसेल्स स्प्राउट्स 1 कप 4 ग्राम ऑफ फाइबर. ब्रोकली 1 कप 5.1 ग्राम ऑफ फाइबर. ओटमील 1 कप 4 ग्राम ऑफ फाइबर. एक प्लांट वन हाफ वन एंड हाफ प्लस एक प्लांट यानी बैंगन हाफ स्लाइस 2.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर. यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट कीपिंग लाइक दिस वे ओनली. यस नाउ वेजिटेबल ऑयल्स, हाई शुगर फूड, बेवरेजेस लाइक कॉफी, टी, स्ट्रेस, लेस स्लीप रॉब्स अस ऑफ गुड बैक्टीरिया इन अवर इंटेस्टाइन, लीडिंग टू रिड्यूस गुड बैक्टीरिया इन अवर गट एंड लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन अवर बॉडी. दैट इज वाई प्रोबायोटिक फूड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव इन अवर बॉडी. क्योंकि अगर गुड गट बैक्टीरिया होगा तो आपका बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, फूड डाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हार्मोन्स भी रेगुलर हो रहेंगे. सो हाउ यू कैन ऑप्टिमाइजिंग योर गट हेल्थ बैक्टीरिया, ईट मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड्स, इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. चेंज योर कुकिंग ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स टू कोकोनट ऑयल और घी. एड फूड हाई इन प्रोबायोटिक्स लाइक मिसो, टिम, सारक्रॉट, केफिर एंड किमची. एंड कर्ड इज द मोस्ट इजिएस्ट वे वी कैन गेट इन अवर होम. सो ट्राई टू हैव कर्ड ट्वाइस अ डे, हैव बटर मिल्क मोर, सो इट विल हेल्प टू इंक्रीज अवर गट हेल्थ बैक्टीरिया. देन चूज योर कार्ब वाइजली. सो प्रायोरिटाइज होल ग्रेन. कैसे, कार्ब तो खाना ही है, ऐसा नहीं कि कार्ब नहीं खाना है, कार्ब खाना है. प्रायोरिटाइज योर होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स, होल व्हीट पास्ता, मिलेट्स, बार्ली, एमरंथ, एमरंथ यानी राजगिरा. तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कार्ब होता है लेकिन गुड कार्ब होता है. देन लिमिट रिफाइंड शुगर यानी जो
बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज में जो रहती है वो रिफाइंड शुगर होती है. स्नैक ऑन हेल्दी कार्ब लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीक योगर्ट, नट्स. नाउ फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन शुगर, बट दिस शुगर्स डजंट हार्म अस. सो यू कैन हैव, अगर आपको मीठा खाने का पसंद हो, यू कैन हैव बनाना और ग्रेप्स और एप्पल, राइट? सो इट विल गिव, इट विल नॉट हार्म यू, दैट शुगर विल नॉट हार्म यू. देन मिनिमाइज और एलिमिनेट शुगर फॉर इफेक्टिव वेट लॉस. अब शुगर को मिनिमाइज करना है या तो पूरा निकाल देना है. थ्री हार्मफुल इफेक्ट ऑफ शुगर कंसप्शन, एक तो ओबेसिटी, डायबिटीज एंड योर कैंसर, राइट? दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ शुगर कंजप्शन. जब आप शुगर खाते हो अधिक मात्रा में तो ओबेसिटी आनी ही आनी है. सम ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग फूड्स आर वर्स्ट फॉर आवर हेल्थ. इट्स लुक लाइक इट्स सम ऑफ द वर्स्ट फूड दैट यू शुड कंप्लीटली अवॉइड इट ऑल कॉस्ट. सॉफ्ट ड्रिंक्स, आई टोल्ड यू द अगली ड्रिंक. सॉफ्ट ड्रिंक्स आर शुगर लेडन ड्रिंक विद एब्सोल्युटली जीरो न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड सम कैफीन इन इट. दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ओबेसिटी एंड टाइप टू डायबिटीज अराउंड द वर्ल्ड. अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट. सो मेरा सजेशन है, अभी तक पिया सो पिया, अभी बंद करिए सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि वो शुगर लोडेड रहता है सॉफ्ट ड्रिंक. आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब आपके बॉडी में उसने शुगर का प्रॉब्लम कर दिया. नाउ आई विल टेल यू फाइव वर्स्ट फूड विच यू कैन मिनिमाइज और अवॉइड. चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज. चिप्स कंटेन्स ट्रांस फैट विच आर द वर्स्ट काइंड ऑफ फैट यू कैन ईट. ट्रांस फैट्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज. फ्रेंच फ्राइज आर नो डिफरेंट, कॉजेज एजिंग, इंफ्लामेशन एंड वेट गेन, एस्पेशली अराउंड बेली फैट एरिया. सो अगर आपको बेली फैट एरिया है और आपको ये सब खाने का, आप खाते रहते हो ज्यादा, तो इट इज हार्मफुल टू योर बॉडी. डोनट्स एंड मफिन्स. डोनट्स एंड मफिन्स आर वेरी हाई इन कैलोरीज एंड ऑफर नो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एनी सॉर्ट. ओवर द टाइम दिस फूड्स कॉजेज यू टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस विच देन अल्टीमेटली लीड्स टू टाइप टू डायबिटीज. जैसे मैंने आपको बोला था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी इन मेनोपॉजल एज वुमन. देन पिज्जा. पिज्जा इज ऑल्सो, यू नो दे आर बैड बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम रिफाइंड व्हाइट फ्लावर एंड प्रोसेस्ड मीट्स. दे आर एक्सट्रीमली हाई इन कैलोरी. वन मीडियम स्लाइस कैन गिव यू एटलीस्ट फ्यू हंड्रेड ऑफ कैलोरीज, राइट? सो एक छोटा सा पीस आपका फ्यू हंड्रेड कैलोरी दे देता है. और हम सबको मालूम है कि पिज्जा बनता है मैदे में से, तो एक पीस उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को 1 वीक तक का टाइम जाता है. इवन पापड़, पापड़ लाइक देर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट क्रेजी बिहाइंड पापड़. बॉडी को पापड़ डाइजेस्ट करने में भी कम से कम 7 से 10 दिन जाता है, तब तक वो हमारे सिस्टम में ही रहता है, ठीक है? देन वेजिटेबल ऑयल्स. कन्वेंशनल विजडम प्रोट्रेस वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर, सोई ऑयल्स एक्सेट्रा एज हेल्दी, बट दैट्स फार फ्रॉम द ट्रुथ. इन रियालिटी दे आर हाईली प्रोसेस्ड एंड कैन क्योज इन्फ्लामेशन. दे आर लिंक टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स. सो सनफ्लावर ऑयल्स एंड ऑल काइंड ऑफ ऑयल्स दे आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. यू कैन यूज राइस ब्रान ऑयल और एनी अदर ऑयल हैविंग लेस हार्मफुल फैक्टर्स इन साइड देम. सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर ओन बॉडी टू गेट रीड फ्रॉम ओबेसिटी, स्पेशल ओबेसिटी रिलेटेड टू मेनोपॉज. नाउ इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस होल सेशन. यस शिल्पा, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? Hi, I wanted to check. You mentioned that coffee should not be had, but is like coffee a complete restriction or like a cup maybe with like 1 teaspoon of sugar a day is okay? No, coffee, don't take coffee as soon as you wake up in the morning. You can have coffee You can once have in it a, like after breakfast. after breakfast is best. And take more water, less milk, and Hello? more water, less milk, and हेलो, avoid sugar in coffee. ओके, Okay, is my voice is breaking?
I couldn't hear you actually, so I heard it Okay. now. So, okay, fine. So this is the way you can have coffee, but you can change this. Now, black coffee सब बोलते हैं पीते हैं अच्छा है, it's good, but sometimes some people may get acidity and bloating and everything with black coffee. तो इससे अच्छा है कि आप ग्रीन टी पी सकते हो कॉफी, और ग्रीन टी भी लेते हैं तो विदाउट कैफीन हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो वही काम करता है जो कॉफी काम करती है. ठीक है, ओके फाइन. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन. नेहल, यू वांट टू शेयर शेयर समथिंग और यू वांट टू से, एंड वी कैन क्लोज दिस सेशन. वी विल मीट नेक्स्ट मंथ इन अप्रैल, लास्ट वेडनेसडे. ओके नो फाइन, इश्यू, थैंक वी कैन क्लोज यू, इट डाउन. थैंक यू सो मच वेरी फॉर इन्फॉर्मेटिव, जॉइनिंग द सेशन. थैंक्स. थैंक वी शेयर यू. दिस रिकॉर्डिंग फ्रॉम यूट्यूब नाउ. यस यस या ओके, गुड नाइट. गुड नाइट.